क्या कोई बुरी आत्मा इंसान का कत्ल कर सकती है? अगर हाँ, तो आखिर क्यों? I haven't seen such a strange entire of my career. एक ऐसी कहानी जिसमें कानून का मुजरिम एक भूत था और पुलिस के सामने थी भूत को गिरफ्तार करने की चुनौती. Police was baffling and it was unable to decide that how will they arrest and post. गुनाह की एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसमें कानून खुद को बेबस महसूस कर रहा था. Nobody was there, but strange murders were taking place, leaving people to wonder as to what was happening in the house. जुर्म की एक ऐसी कहानी जो गुनाह की किसी भी दास्तान से बिल्कुल अलग है. The circumstances were such that everybody could feel that there is a paranormal activity. खौफ की एक ऐसी सच्ची कहानी जो न पहले कभी सुनी गई न कही गई. मुझे नहीं लगता कि इस घर में ऐसा कुछ भी है. नहीं सुमन, इस घर में कुछ तो जरूर है. पिछले कई वक्त से लगातार हादसे हो रहे हैं. कभी घर में अपने आप आग लग जाती है तो कभी कोई आवाज सुनाई देती है. हर पल ऐसा लगता है जैसे कोई है तो देख रहा है. ये सिर्फ तेरा वहम है और कुछ भी आती है तो कभी कुंती आवाज सुनाई देती है. हर पल ऐसा लगता है जैसे कोई है तो चुप तो देख रहा है. ये सिर्फ तेरा वहम है और कुछ भी नहीं. नहीं सुमन, ये मेरा वहम नहीं है और पापा को भी यही लगता है. और ये मेरे अकेले की बात तो नहीं है ना? और तो सिमरन, तू सुन रही है ना? हेलो, क्या हुआ तुझे? हेलो, नहीं, तबीयत ठीक नहीं है. मैं सोने जा रही हूँ. बाय. तू ठीक तो है ना? बाय. पटियाला के उस मकान में आखिर हो क्या रहा था? कौन था वो रहस्यमय साया जिसकी नजर लगातार मकान में रहने वालों की खुशियों पर लगी हुई थी? क्यों घर में एक के बाद एक हादसे हो रहे थे? कौन लिख रहा था दहशत की स्याही से गुनाह की ये सनसनीखेज दास्तान? यकीन मानिए, ये कैसी सच्ची कहानी है जिसने एक बार तो पुलिस को भी सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था. पटियाला के उस मकान में लगातार हादसे हो रहे थे. बीते कुछ वक्त से घर में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जो इंसान के बस के बाहर की लगती थी.
इन रहस्यमय हादसों से घर में रहने वाले हरमिंदर पाल और 17 साल की उनकी बेटी सिमरन बेहद घबराए हुए थे। The reason behind 90% ऐसे 90% मामलों की वजह सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें लोग इन इमेजिनेशन को प्रत्यक्ष रूप से देखने लगते हैं, जिसके बारे में वो ज्यादा सोचते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ कुछ दिख नहीं रहा था, बल्कि घटनाएं हादसों की शक्ल में सचमुच घट रही थी। हरमिंदर पाल और उनकी बेटी इस घर में अकेले रहते थे। 2 साल पहले हरमिंदर का उसकी पत्नी से तलाक हो गया था, लेकिन बीते कुछ वक्त से घर में हादसों की झड़ी लगी हुई थी। रहस्यमय हादसों की बात पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग मानने लगे थे कि हरमिंदर के घर में किसी शैतानी आत्मा का साया है। जान पहचान वालों ने उसे यही सलाह दी कि वो घर में कोई झाड़फूक कराए। आइए बाबा, उस घर में कुछ है बच्चा, इस घर में साया है, मौत का साया, उसकी नजर है तुम दोनों पर, बचा लीजिए हमें। पिछले 1.5 महीने से लगातार हादसे पे हादसे हो रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं बाबा। हरमिंदर और सिमरन जिस खौफ में जी रहे थे, उसे निजात पाने के लिए वो किसी की भी बात पर यकीन करने को तैयार थे। आखिरकार उन्हें एक ऐसा बाबा मिला जिसने दावा किया कि वो उनके घर से उस साए को बाहर निकाल सकता है। दीवारों के बीच पनप रही थी साजिश की कौन सी आहट, वो कौन सा राज था जो घर की खामोशी में दफन था। हरमिंदर इस खौफ के साए में रहते रहते परेशान हो गया था। इस बीच कुछ पड़ोसियों ने उसे पुलिस के पास जाने की सलाह दी। पुलिस अपने आप पकड़ेगी, कौन है ये जो ऐसी हरकतें कर रहा है। हरमिंदर के पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था, वो सीधे पुलिस के पास पहुंचा और उन्हें अपनी पूरी बात बताई। हाँ तो हरमिंदर जी, कब से चल रहा है ये सब? सर बीते 1.5 महीने से चल रहा है ये सब। बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। कभी पंखा गिर जाता है, कभी घर में अपने आप आग लग जाती है। हर पल ऐसे लगता है जैसे घर में हम दोनों के सिवा कोई तीसरा भी है। एक मिनट, अभी आपने कहा कि घर में आप दो लोग, आपकी पत्नी? जी वो मेरा तलाक हो चुका है, कोर्ट ने सिमरन की कस्टडी मुझे ही दे रखी है। हरमिंदर जी कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके पीछे कहीं आपकी पत्नी का? नहीं सर, वो तो दिल्ली में है, उसने तो कभी अपनी बेटी की खबर तक नहीं ली। भला उसे क्या पड़ी है कि सर हम दोनों बाप बेटी बहुत डर के साए में जी रहे हैं। अंकल, परसों रात को सोते वक्त किसी ने मेरे बाल काट लिए, मुझे घर में बहुत डर लगता है, प्लीज हेल्प मी। देखो बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आज ही 2 हवलदार तुम्हारे घर के बाहर तैनात कर देता हूँ, ठीक है? शुक्रिया, थैंक यू सर। There is a term in psychology which is called as hallucination. साइकोलॉजी में एक टर्म होता है हेलुसिनेशन, ये एक तरह का परसेप्शन होता है
जिसमें इंसान वो देखता है जो दरअसल होता नहीं, लेकिन इस मामले में कुछ चीजें ऐसी थी जो हकीकत में हो रही थी। भाई रमन, मैनू लगता है इस घर के अंदर बड़ा वाला भूत सी। हाँ हाँ शर्मा, तो ठीक कह रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अरे पता नहीं साहब, यहाँ ड्यूटी कैसे हमें लगा दी। भैया यहाँ से ड्यूटी खत्म हो समझम गंगा ना। मार डालेगा, सबको मार डालेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, उसे मुझे तो लगता है सच में कुछ है यहाँ पे। मैं बहुत डर लग रहा है। अरे तुम्हें डर क्या लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है। मैं कर में भी देख ले कभी कोई अंदर घुस जाए। अब क्या घुसेगा, जो घुसने वाले उसे भगा तो दिया। गुत्थी लगातार उलझती जा रही थी। आखिर वो कौन था जो पुलिस के पहरे के बावजूद घर में दाखिल हो गया था। अब वक्त आ गया था कि इस राज से पर्दा उठा दिया जाए। बेटा, क्या कर रहे थे तुम दोनों वहाँ? सर जी, हम तो मैन गेट पे ही थे, पूरी रात सोए भी नहीं। मैं पूछता हूँ, जब तुम दोनों वहाँ थे तो कोई अंदर कैसे दाखिल हो गया? सर अंदर कोई नहीं घुसा, हम लोग नजर रखे हुए थे, हम भी यकीन कीजिए सर। सर मैनू लगता है उस घर में वाकई में कोई ऊपरी चक्कर है। चक्कर शरा माननी चाहिए तुम दोनों को, पुलिस की वर्दी पहनकर अंधविश्वास की बातें करते हो, जानते हो अपराध है ये। सर और ध्यान से सुन लो, आज के बाद अगर ऐसी लापरवाही बरती ना तो रवि मालिक होगा तुम्हारा। जी सर, जय हिंद। आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 15(1)(a) कहता है, टू डेवलप साइंटिफिक टेंपर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म इज अ बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। यानी कि अंधविश्वास फैलाना कानूनन अपराध है। यह अंधविश्वास था या फिर कोई साजिश, मगर जो भी था ये साफ था कि कोई है जो नहीं चाहता कि सिमरन अब एक भी दिन और जिए। और इसी बीच पुलिस उसकी तलाश में जुट चुकी थी, लेकिन जब तक कि पुलिस उसे तलाश पाती बहुत देर हो गई थी। हेलो, ओ आई सी, आते हैं।
मैं जब दफ्तर से लौटा तो उसे उस भूत ने मार दिया मेरी बच्ची को। मार दिया मेरी बच्ची को। हौसला रखो सरदार जी, मुलजिम कोई भी हो उनके हाथों से बच नहीं पाया। It was very scary. ये डरावना था। एक ऐसे घर में जहाँ हादसे लगातार हो रहे हो, वहाँ कत्ल के बाद इस तरह पैरों के निशान होना इस बात की निशान रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर था। आखिर किसने किया था सिमरन का कत्ल? ये राज अब और गहराने लगा था। पुलिस मामले की जांच में अब पूरी तरह से जुट गई। कुछ दिनों की जीतोड़ कोशिश के बाद पुलिस के पास कुछ थ्योरीज तैयार थी। गौर करने वाली बात ये थी कि सिमरन के कत्ल के बाद घर में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बंद हो गई थी। सिमरन के कत्ल के बाद उसका मकसद पूरा हो गया था। पुलिस ने मामले की जांच को और तेज कर दिया। तमाम नए सस्पेक्ट बनाए गए, इलाके में पूछताछ की गई, यहाँ तक कि हरमिंदर की तलाक की वजहों को भी खंगाला गया। पुलिस ने हरमिंदर के वकील से मुलाकात की। पुलिस इस मामले को अब एक नए नजरिए से देख रही थी। केस से जुड़ी हर संभावना और हर आशंका को स्कैन किया जा रहा था। इस बीच पुलिस को मामले में पहला ब्रेक थ्रू मिला। आखिर किसने किया था सिमरन का कत्ल? कौन था वो साया जिसने घर में कोहराम नजरिए से देख रही थी? केस से जुड़ी हर संभावना और हर आशंका को स्कैन किया जा रहा था। इस बीच पुलिस को मामले में पहला ब्रेक थ्रू मिला। आखिर किसने किया था सिमरन का कत्ल? कौन था वो साया जिसने घर में कोहराम मचा रखा था? और आखिर उस साये के खिलाफ कैसे कानूनी लड़ाई लड़ेगी अब पटियाला पुलिस? तमाम सवालों के जवाब देंगे ब्रेक के उस पार। जारी है द मास्टरमाइंड। हरमिंदर के घर के साये का राज मैंने खोज दिया। मिल गया तुम्हारा भूत। ठाव से ले चलो थाने। भाई रमन, मैनू लगता है उस घर में सचमुच कोई साया सी नहीं। हाँ शर्मा तू ठीक कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है वहां पे। ओए अकल के दुश्मनों, हरमिंदर के घर के साये का राज मैंने खोज दिया। कल तक उसका पर्दाफाश हो। काम करो, तैयारी कर लो, आज रात हम वहां जाएंगे। रात को सोते वक्त किसी ने मेरे बाल काट लिए। बलिया तुम्हारा भूत। ठावर से ले चलो थाने। इंस्पेक्टर का शक एकदम सही निकला। इस सब के पीछे कोई और नहीं सिमरन का बाप हरमिंदर था। लेकिन क्यों कोई अपने ही जिगर के टुकड़े को काट कर फेंकना चाहेगा? क्यों अपनी बेटी को मौत के घाट उतारना चाहेगा? इस तमाम सवालों के जवाब तो आखिर हरमिंदर ही दे सकता था। हरमिंदर, तूने अपनी बेटी का कत्ल किया है। बस किया कि नहीं? हाँ हाँ, मैंने ही मारा अपनी बेटी को, मैंने ही किया उसका कत्ल। साहब जी, बात समझ में नहीं आई, आपको इस पर शक कैसे हुआ? जिस दिन सिमरन का कत्ल हुआ और हम लोग मौका वारदात पर पहुंचे, वहां लाश को देखकर साफ पता चल रहा था कि मौत बहुत देर पहले हो चुकी, लेकिन दीवार पर बने पंजों के निशान एकदम ताजा थे, जैसे हमारे आने से पहले ही बना। तो जलार जी, अब तू बताएगा कत्ल क्यों किया कि मैं ही बताऊं?
मेरी पत्नी रेणुका हमारे एक पड़ोसी विक्रांत के बहुत करीब थी, इतनी करीब कि मैंने कई बार उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। मैंने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया, लेकिन कोर्ट केस लड़ते लड़ते मुझे ऐसी कई बातें पता चली जिससे मुझे शक हुआ कि सिमरन मेरी बेटी नहीं, वो विक्रांत की बेटी है। जब भी मैं सिमरन को देखता उसकी शक में मुझे रेणुका की बेवफाई नजर आती थी। ऊपर से कोर्ट ने सिमरन की कस्टडी मुझे दे दी। मैं सिमरन को देखना भी नहीं चाहता था, नफरत करता था मैं उससे, नफरत। इसलिए मैंने उसे जान से मारने की कोशिश करनी शुरू की, लेकिन हर बार वो बच जाती थी। मैं ये भी जानता था कि घर में सिर्फ हम दो ही लोग हैं, इसलिए उसके कत्ल का शक सिर्फ मुझ पर ही आएगा। इसलिए मैंने घर में भूत होने का नाटक शुरू किया। चाल तुमने कमाल की चली, बात बताओ ये भूत प्रेत का आइडिया तुम्हें आया कहां से? मैं पिछले 1.5 साल से सिमरन को मारने की कोशिश कर रहा था। इस बीच एक दिन मरेगा क्या? वो मार देगा, वो तुझे भी मार देगा। उसे खून चाहिए, भाग यहां से। वो तुझे मार देगा। पागल कहीं का। बस उसी दिन मुझे इस साजिश को रचने का आइडिया आया। पापा ये लीजिए पानी। क्या हुआ पापा? मैं पापा नहीं हूँ। शर्मानी चाहिए तुम्हें, अपनी बेटी को अपना नहीं माना। एक बेटी के लिए उसका पिता ढाल होता है, समाज की हर बुराई से हिफाजत करने वाली ढाल। और हिफाजत करना तो दूर, तुमने अपने इन्हीं हाथों से उसका कत्ल कर दी। शर्मानी चाहिए तुम्हें, और वो भी महज एक ऐसे शक की वजह से जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे संकीर्ण दिमाग की पैदाइश था। सर माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया। माफ। ये कहानी हमें समझाती है कि अंधविश्वास एक जानलेवा चीज है। यकीन मानिए, अगर वक्त पर पुलिस ये समझ जाती कि ये सब एक साजिश है, मास्टरमाइंड की चाल है, तो सिमरन को बचाया जा सकता था। बहरहाल हम फिर हाजिर होंगे एक और जुर्म की दास्तान लेकर, एक और मास्टरमाइंड का चेहरा लेकर। तब तक आप रहिएगा होशियार, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।